हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जैसा कि आप सबको पता है कि आज है दिवाली, तो सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू ईच एंड एवरीवन। आपकी दिवाली बहुत अच्छे से जाए। तो मॉर्निंग वाली पूजा तो हो चुकी थी, नाउ इट्स टाइम कि अब रंगोली भी बना ली जाए। तो फटाफट से चलते हैं, रंगोली बनाते हैं पहले और उसके बाद करेंगे इवनिंग वाली पूजा। सो मैं ये लाई थी और ये छन्नी है जिनकी हेल्प से मैं रंगोली बनाने वाली हूँ। इसमें कलर डालना है और बहुत इजीली रंगोली बन जाती है। एंड दीज आर द कलर्स। तो फटाफट से रंगोली बनाते हैं और आपको भी दिखाती हूँ कि इससे कैसी रंगोली बनती है। तो मैं थोड़ी सी क्रिएटिविटी करने की कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि एक्चुअल में आउटपुट कैसा आने वाला है, बस मैंने कहीं वीडियो में देखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी छन्नी से ट्राई करूँ। पहले मैंने छन्नी की हेल्प से कलर डाला, फिर अपने हैंड्स की हेल्प से उस पर डिज़ाइन बना दिया और फिर छोटे छोटे से वाइट वाइट से डॉट रख दिए। बट ये पर्सनली थोड़ा अच्छा सा निकल कर आ गया था। देन मैंने ये शुभ दीपावली वाला छापा जो था उसको रेडी किया। बट ये जो कलर था ना, ये बहुत ही डल सा लग रहा था, बट मैं बना चुकी थी ऑलरेडी, तो फिर मुझे हटाना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसी को कंटिन्यू कर दिया। वैसे अब रंगोली बनाने के काफ़ी सारे तरीके यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाते हैं, वो भी काफ़ी प्यारे प्यारे। हमने रंगोली बनाने स्टार्ट करी थी 3 बजे और अब बज चुके हैं 6, क्योंकि हमारे यहाँ आ गए थे गेस्ट, इस वजह से हमारा काम रुक गया था। फाइनली अब जाके रंगोली कंप्लीट हुई है। अब फटाफट से आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कैसी रंगोली बनी है। वैसे हबड़ तबड़ में बनी है, तो ज़्यादा जज मत कीजिएगा। तो फटाफट से देखते हैं, चलो। ये काफ़ी सारे कलर बच गए थे, तो मैंने कुछ यूटिलाइज़ करने की कोशिश करी है कलर्स को, और इसमें हम रख देंगे बीच बीच में दिए, तो शायद ये तब और ज़्यादा बेटर लगेगा। ये हमने अपने मेन गेट के बाहर बनाई है एंड ये हमारी लिफ्ट के बाहर का पोर्शन है जहाँ पर ये रंगोली का डिज़ाइन बनाया है। फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने टेबल को भी थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया जाए, तो उसके लिए मैं एक बाउल लाई, उसमें वाटर डाला, उसमें थोड़े से पेटल्स डाल दिए, और ये हमारे पास एक कमल था जो वाटर की हेल्प से जल जाता है, ये बहुत प्यारा लगता है। सो दिस इज द फाइनल लुक। फाइनली अब टाइम था माता की जो चौकी है उसको डेकोरेट करने का, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने मिलके माता की चौकी अच्छे से डेकोरेट करी। ये है हमारे प्यारे प्यारे से लक्ष्मी गणेश, तो इनकी स्थापना कर देते हैं फटाफट से। चलिए, ठीक है, ये गणेश जी धराएंगे। यस, तो फाइनली हमने अपने भगवान जी की स्थापना भी कर दी थी। बहुत ही प्यारे प्यारे से आजकल लक्ष्मी गणेश के आइडल्स मार्केट में आते हैं और बहुत ही क्यूट क्यूट से लगते हैं ये, और आप देख भी पा रहे होंगे कि कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ मम्मी दिए रेडी कर रही है। जल्दी जल्दी करो भाई, टाइम हो रहा। मम्मी थकान तो होगी। खैर, देन हमने फाइनली अपने मेन डोर पर लक्ष्मी जी के फोटो स्टैप भी लगा दिए। ये हम हर दिवाली पे लगाते हैं और जो हमारे पुराने वाले होते हैं उनको चेंज कर देते हैं और न्यू वालों को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। नाउ पूजा की प्रिपरेशन तो हो चुकी है हमारी कंप्लीट और अब हमें होना है रेडी फॉर द पूजा। तो फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं अपनी फैमिली का भी और अपना भी कंप्लीट आपको लुक दिखाऊंगी। तो मिलते हैं जल्दी से रेडी होकर। तो भाई मम्मी भी रेडी हो चुकी हैं। अरे बहुत प्यारी लग रही है मम्मी, बताओ दिवाली के लिए कुछ कहना चाहोगे मम्मी?
दिवाली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हंसते खेलते अपने परिवार के साथ दिवाली मनाएं और स्वस्थ। बहुत बढ़िया, तो अब जल्दी से वर्षा का भी लुक देख लेते हैं। और ये वर्षा जी का लुक है आज का दिवाली का। तो दिवाली पे कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो सुबह से ही कह रही वैसे, बट हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। आप लोग सेफ रहे, हेल्दी रहे और ऐसे ही खुश रहे। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। तो ये मेरा लुक है और जरूर मुझे बताइए कि हम तीनों में से किसका लुक आपको पसंद लगा। पर्सनली मुझे तो भाई अपना लुक बहुत पसंद आ रहा है और मेरे को कपड़े भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ब्लैक कलर का मैंने कुछ डाला हुआ है। बाकी आप सबको, आपके पूरे परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि माता लक्ष्मी आप सबके घर पे आज आगमन करे और आपके घरों में सदैव के लिए विराजमान हो जाएं। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार वालों के साथ खुशियों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाइए। तो भाई हम तीनों लोग तैयार हो चुके हैं दिवाली पूजन के लिए, तो जल्दी से दिवाली पूजन करते हैं और अपने घर पे भी लक्ष्मी माता को जल्दी से बुलाते हैं। फिर हमने करी फटाफट से पूजा स्टार्ट। दर्शन कीजिए होली वाली, जय लक्ष्मी माता हरे जय हो। लक्ष्मी माता की जय, भगवान की। पूजा कंप्लीट होने के बाद फिर हमने लास्ट में भगवान जी को भोग लगाया एंड आफ्टर दैट जितने भी दियाज हमने मंदिर में रखे हुए थे उनको एक एक कर प्लेस करना शुरू कर दिया। कुछ हमने तुलसी माता पर रखे, कुछ हमने अपने मेन डोर पर अच्छे से डेकोरेट करते हुए रख दिए। बाहर का नज़ारा है, काफ़ी अच्छे से आतिशबाजियाँ चल रही हैं। इस बार वैसे काफ़ी ज़्यादा पटाखे फूट रहे हैं। उसके बाद हमने अपने फ्रेंड्स लोगों को गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जिन जिन के लिए हम लाए थे। वैसे दिवाली का टाइम काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इस दिन हम सबसे मिलजुल भी लेते हैं। तो यहीं तक थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों की दिवाली भी ऐसी ही रही हो। मिलते हैं कल फिर न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन टू ईच एंड एवरीवन।